Good morning, dear all students. In previous video, we discussed about the syllabus of BSc Part 1, same one. Today, here I am discuss about the our first unit, paper 1, first unit topic, that is the general characters of protozoa. सो जैसे कि हम सभी को पता है जो फर्स्ट पेपर है दैट इज द एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. तो इस फर्स्ट पेपर में हमें प्रोटोजोआ टू एनिलिडा इतने फाइलम क्या करना है, स्टडी करना है. सो एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में तो आपको पता होगा. नॉन कॉर्डेट्स मीन्स जिसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है, और कॉर्डेट्स मीन्स जिसमें नोटोकॉर्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ओके, सो प्रोटोजोआ टू एनिलिडा हमें क्या करना है, स्टडी करना है इस सिलेबस में, सेम फर्स्ट में. सेम टू में हम जब जाते जाएंगे तब एनिलिडा के बाद के जितने भी फाइलम्स है वो हम स्टडी करेंगे वहां पर. तो यहाँ पे प्रोटोजोआ टू एनिलिडा. ओके, सो फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. इफ यू सी इन द लिविंग वर्ल्ड, सो देयर इज द अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज नियर अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीजेस. एंड इतने नंबर ऑफ स्पीसीजेस है, अगर हम सिंगल स्पीसीज देखते हैं, so we are belongs to the homo sapiens hum homo sapiens mein aate hain. So this is the one single species, jitne bhi human beings hai wo ek single species consider kiya jayega. Okay, so aise 1.7 to 1.8 millions of species hai, aur itne zyada number mein species ka study karna possible nahi hai, isliye hum kya karte hain, unka classification karte hain. Classification karte hain means उनको हम जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स है उनको एक ग्रुप में क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेंट करते हैं. ओके, तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हमें जो स्टडी होना चाहिए वो इजीली होना चाहिए. सो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि देयर इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया था कार्ल लिनियस ने. उन्होंने सभी एनिमल्स को, सभी ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने दो किंगडम में क्या किया गया था, डिवाइड किया था. एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया. लेकिन जो दूसरे जैसे एनिमल्स है, बैक्टीरिया या फंगस, इनको उन्होंने प्लांट में ही डाल दिया था. जबकि वो उस प्लांट से, यानी प्लांट से कुछ उनके जो कैरेक्टर है प्लांट से कुछ अलग थे. ओके, सो इसकी वजह से ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने दिया था इसको डिसप्रूव किया गया. देन लेटर ऑन आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने पांच किंगडम उन्होंने बताए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगजाई एंड किंगडम एनिमेलिया. ओके, तो किंगडम मोनेरा में जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्होंने किंगडम मोनेरा में डाल दिया. जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया. देन किंगडम प्लांटी में सभी प्लांट्स को उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स में डिवाइड किया. देन किंगडम फंगी, देन किंगडम एनिमेलिया. तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम सिस्टम क्या किया, उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम दिया. किसने, आर एच विटेकर ने. सो अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें यहां पर क्या स्टडी करना है, फाइलम प्रोटोजोआ क्या करना है, स्टडी करना है. तो ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है, सो हमें पता है देर इज द, अगर हम किंगडम एनिमेलिया देखते हैं तो देर इज द एट फाइलम हमें यहाँ पे दिखाई देंगे. जैसे
फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे हम निडारिया भी कहते हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, फाइलम निमेटोडा जिसे हम एस्केलमिंथस कहते हैं, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, ये जो कॉर्डेटा है ओके, ये सभी कौन है फिर, यहाँ तक के जो है मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, दीज आर द क्या कहेंगे हम, इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में ओके. इनवर्टिब्रेट्स मीन्स जिसमें वर्टिबल कॉलम क्या होगा, अब्सेंट होगा, उसे क्या कहेंगे हम, इनवर्टिब्रेट्स ओके. तो ये नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे, और जो कॉर्डेट्स है उसमें वर्टिब्रेट्स आएंगे, मीन्स जिसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा, जिस एनिमल्स में वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा ओके, दैट इज ऑल बिलोंग्स टू द कॉर्डेटा, किंग फाइलम कॉर्डेटा में क्या करेंगे वो बिलोंग्स करेंगे ओके. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया. तो यहाँ पर हमें पता है कि जो फाइलम प्रोटोजुआ है, इस फाइलम प्रोटोजुआ का हमें इस क्लास में क्या करना है, जनरल कैरेक्टर क्या करना है, स्टडी करना है ओके. सो इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ फाइलम प्रोटोजुआ, फाइलम प्रोटोजुआ में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन किस तरह के, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और जो फाइलम मोनेरा है उसमें, किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक लेकिन और यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल दैट बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल दैट बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटोजोआ. तो प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स आपको पता है जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे मीन्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस क्या होगा, अब्सेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स. जैसे बैक्टीरिया है, ये सभी कहाँ पे आते हैं फिर, प्रोकैरियोटिक. अगर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक देखते, यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें वेल डेवलप या वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल्स. वी आर आल्सो बिलोंग्स टू द यूकैरियोटिक सेल. तो ये जो प्रोटोजुआ है ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल से बना हुआ होता है ओके. वी आर द मल्टीसेलुलर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स ओके. सो प्रोटोजुआ के जनरल कैरेक्टर स्टडी करने से पहले यहाँ पर देखिए, हमने आप यहाँ पर स्लाइड शेयर किया है. So they have, we have seen here the different types of organisms which are belongs to the phylum protozoa. Amoeba hai, then paramecium hai, then trypanosoma hai, okay, then euglena hai. So ye sabhi jo organisms hai, ye sabhi organisms kahan pe aate hai fir, phylum protozoa mein aate hai, jiska hame kya karna hai, study karna hai. Aur ye sabhi unicellular eukaryotic organisms, okay. तो यहां तक आपको समझ में आया होगा. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी, हमने थोड़ा बेसिक कवर किया है. एक्चुअली तुम आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ ओके. सो आपको क्या याद रखना है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं ओके. दीज आर द स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ही स्मॉल और कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दे आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैविंग सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो एनिमल्स है यहाँ पर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. सेलुलर ग्रेड मीन्स यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू. टिश्यू मीन्स क्या होगा, द ग्रुप ऑफ सेल्स ओके. लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सेल ही होता है, तो यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल्स, दे डू नॉट हैविंग द एनी टिश्यू और ऑर्गन्स ओके. और ये जो सिंगल सेल है दैट परफॉर्म द ऑल नेसेसरी फंक्शंस ओके. जैसे अगर हम हमारी बात करते हैं, वी आर द मल्टी सेलुलर, हमारा किडनी का फंक्शन अलग होगा, हार्ट का फंक्शन अलग होगा ओके. सभी जो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या अलग अलग जो फंक्शन है, अलग अलग ऑर्गन्स क्या करते, परफॉर्म करते हैं, लेकिन
इस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल की वजह से एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सभी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी जो फंक्शंस है वो सभी फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, सिंगल सेल क्या करेगा, परफॉर्म करेगा. ओके, सो प्रोटोजोआ मे बी फ्री लिविंग. Then commensals, mutualistic or parasitic in nature. They may be colonial or solitary. So protozoa में जो आते हैं वो free living हो सकते हैं. Free living means क्या कहेंगे हम, जो singly present हो सकते हैं. Commensals means दूसरे के ऊपर depend हो सकते हैं वो. Mutualistic or parasitic in nature. Parasite बोलकर काम कर सकते हैं, means दूसरे organism पे वो डिपेंड हो सकते हैं. और दे मे बी कॉलोनियल और सोलिटरी. कॉलोनियल मीन्स क्या कहेंगे हम, जो कॉलोनी करके रख सकते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है. सोलिटरी मीन्स जो सिंगली प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के शेप देखते हैं तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ शेप आपको देखने को मिलेंगे. कुछ ऑर्गेनिज्म स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल मीन्स राउंडेड होंगे, कुछ ओवल एक शेप के होंगे, कुछ इलांगेटेड या फ्लैटन शेप के आपको ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ओके, अगर हम इनका साइटोप्लाज्म देखते हैं, सिंगल सेल से बना है साइटोप्लाज्म, पता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, जो लिक्विड लाइक जो पोर्शन होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आउटर एक्टोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ होगा उसे हम एक्टोप्लाज्म कहेंगे, और जो न्यूक्लियस के तरफ होगा दैट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्म. तो जो आउटर एक्टोप्लाज्म होता है, आउटर क्या होता है एक्टोप्लाज्म होता है, और इनर क्या होता है एंडोप्लाज्म होता है. ओके, तो यहाँ पर ये किस तरह से लोकोमोशन करेंगे. लोकोमोशन मीन्स आपको पता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या होना, मूवमेंट होना, दैट इज कॉल्ड एज द लोकोमोशन. सो उनमें कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे फ्लैजेला, सुडोफोडिया एंड सिलिया, इनमें प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो लोकोमोट कर सकते हैं. ओके, देन सुडोपोडिया मीन्स पता है, अगर आपने अमीबा का सुना होगा तो अमीबा में सुडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है एक्सटेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ फूट लाइक प्रोसेस. ओके, सुडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फूट, तो यहाँ पे फॉल्स फूट तैयार होते हैं, दैट इज द सुडोपोडिया. सिलिया दिस इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर. फ्लैजेला दिस इज ऑल्सो द हेयर लाइक स्ट्रक्चर. फ्लैजेला थोड़ा सा उनका जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है, जो सिलिया होता है वो सिलिया का जो लेंथ होता है वो क्या होता है छोटा होता है. फ्लैजेला का जो नंबर होता है वो कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और सिलिया बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजेला एंड सिलिया. सो दीज आर द सम ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रोटोजोआ फॉर द लोकोमोटरी पर्पस. ओके, सो इस प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन किस तरह का होगा, मीन्स सभी तरह के न्यूट्रिशन इस प्रोटोजोआ में पाए जाएंगे. दे मे बी होलोजोइक, मीन्स हम जैसे खाते हैं फूड खाते हैं उसी तरह से वो होलोजोइक हो सकते हैं, एनिमल लाइक फीडिंग कर सकते हैं. होलोफाइटिक प्लांट लाइक, जैसे प्लांट्स न्यूट्रिशन क्या करते हैं वो रूट्स के थ्रू क्या करते हैं वो सक करते हैं, उस तरह से वो होलोफाइटिक हो सकते हैं, प्लांट लाइक उनका फीडिंग हो सकता है. सैप्रोजोइक और पैरासिटिक, पैरासाइट लाइक दूसरा जो होस्ट सेल होगा उस होस्ट सेल के अंदर वो क्या करेगा फिर डिपेंड होगा. तो इस तरह से सभी तरह का उनमें क्या होगा न्यूट्रिशन का टाइप्स होगा. अभी उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है, डाइजेशन ऑकर इंट्रासेलुलरी विद इन ए फूड वैक्यूल बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स एंड फूड रीचेस द वैक्यूल थ्रू अ सेल माउथ और बाय एनगल्फमेंट बाय द सुडोपोडिया. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा. सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. ओके, और उसमें जो लाइसोसोम ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसमें कुछ लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जब वो जिन उनको जो फूड चाहिए वो क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुडोफोडिया वो क्या करेंगे एनगल्फ करेंगे. उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो एक्सटेंड करेंगे जिसे हम सुडोफोडिया कह रहे हैं, जो लोकोमोशन के लिए भी यूज हो रहा है और फीडिंग के लिए भी यूज हो रहा है. और जो भी उनका जो जो फीडिंग सब्सटेंस है उसको क्या करेगा वो एनगल्फ करेगा, उसके अंदर लेगा, तब वो क्या करेगा वहां पे उसके सेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट है जिसमें जो लाइटिक एंजाइम है वो लाइटिक एंजाइम उसे क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा, और इस तरह से उसका फूड का क्या होगा डाइजेशन होगा. ओके, देन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड इजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑकर थ्रू द बॉडी सरफेस. रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, दैट इज द रेस्पिरेशन. एक्सक्रीशन मीन्स जो भी जो वेस्ट मटेरियल है. ओके,
ओके उस वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना मींस दैट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन इजेशन ऑफ वेस्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ओके ये किसके थ्रू होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा ओके प्रोटोजोआ आर सेंसिटिव टू मेनी काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई सो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का हो सकता है मे बी सेक्सुअल हो सकता है या असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें किसी भी तरह का गमेट का फ्यूजन नहीं होता ओके सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जहां पर मेल गमेट्स और फीमेल गमेट्स का फ्यूजन होकर जायगोट बनेगा फिर उसका माइटोसिस होगा बहुत सारे सेल तैयार होंगे फिर ऑर्गेनिज्म तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल वहां पर दो मेल और फीमेल की जरूरत होती है ओके सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन सिंपल माइटोसिस से क्या होगा बाइनरी फ्यूजन होगा या मल्टीपल फ्यूजन होगा या बडिंग होगा या स्पोरुलेशन होगा हम जब नेक्स्ट हम क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये सभी सीखने को मिलेगा कि कुछ एग्जांपल हमें स्टडी करना है इस प्रोटोजोआ में तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें बाइनरी फ्यूजन होगा ये वहां पे पढ़ेंगे हम मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है बडिंग कैसे होता है हाइड्रा वगैरह आपने सुना होगा जस्ट बर्ड्स निकलते हैं वो बर्ड्स जब डिटैच होता है वो एक नया इंडिविजुअल बोलकर क्या करता है नया इंडिविजुअल बोलकर ग्रो होता है इस तरह से बडिंग होता है स्पोरुलेशन होता है स्पोर फॉर्मेशन होते हैं ये सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं गमेट फॉर्मेशन होगा या कॉन्जुगेशन प्रोसेस होगा ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस भी हमें पैरामेशियम में क्या करना है स्टडी करना है वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे पैरामेशियम में इज इट क्लियर ओके सो मेनी फ्री लिविंग प्रोटोजोआ आल्सो इंसिस्ट टू सर्वाइव अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन एंड बी डिस्पर्स बाय एयर और वाटर करंट इन ए प्रोटेक्टेड स्टेजेस सो बहुत सारे जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है ओके तो ये जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है जब उनमें अनफेवरेबल सराउंडिंग होता है या अनफेवरेबल एनवायरमेंट होता है कंडीशन होता है उस अनफेवरेबल एनवायरमेंट में या कंडीशन में वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर और वाटर करंट के थ्रू वो प्रोटेक्टेड स्टेज में जाकर क्या करते हैं वो रीच होते हैं इज इट क्लियर सो इन सम प्रोटोजोआ द लाइफ साइकिल आर कॉम्प्लिकेटेड एंड शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन That is the life cycle include asexual and sexual phases. देखिए, this is the another very interesting point. तो कुछ ऐसे प्रोटोजोआ है जिस प्रोटोजोआ में क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स उनमें सेक्सुअल साइकिल भी होगा और असेक्सुअल साइकिल भी होगा इज इट क्लियर सो दैट इज कॉल्ड एज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सो दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ सो नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ेंगे ओके तो ये जनरल क्लासिफिकेशन में क्या याद रखना है आपको ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सिंगल सेल से बने होते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है मींस ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है कुछ पैरासिटिक होते हैं कुछ म्यूचुअलिस्टिक होते हैं कुछ फ्री लिविंग होते हैं ओके अलग अलग शेप के होते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है उनका रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से होता है उसमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल होता है ओके तो ये सभी क्या है फिर दिस इज द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ इन नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ देखेंगे थैंक यू